बिल्कुल हार्ली यो जन चल रहे हैं उनको फुल। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हम निकल चुके हैं थोड़ा सा बाहर और आज जा रहे हैं हम फरीदाबाद लेपर ट्रेल थोड़ा सा मज़े के लिए। तो अब हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और चार बंदे और भी हैं जो कि वो आगे आ चुके हैं, सिस्टम के पीछे है, तो आज मज़ा ही आने वाला है। मॉर्निंग का टाइम है और टाइम 7 बज चुके हैं और हम थोड़ा लेट हो गए, हमें उससे पहले निकलना था बट कोई इशू नहीं है, निकल गए हैं तो अब पहुंच ही जाएंगे, वो इतना कोई फंडा है नहीं। और यार का हवा मज़ा ही आया भाई, अभी तो मज़े लेने बाकी है मेरे भाई। ओ भाई साहब, सुबह सुबह फारे पड़ जाए ना बाइक वाले के पास तो हालत खराब हो जाती है भाई साहब। ओ देखो भाई फुल फारे, दिल्ली गवर्नमेंट ने भाई पॉल्यूशन से बचने के लिए रोडों पर पानी डाल रही हैं। और रुक लेते हैं भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। ये रेड लाइट की ना किट्टों को मज़ा नहीं आता भाई रेड लाइट के बीच में। चलो भाई काफी ही आगे जा चुके हैं। हेलो भाई साहब, पता नहीं अब बोला था है हमने वहां मिलेंगे कहते हैं टोल के पास, बट ठंड तो लग रही है भैंस की। मस्त मोहम कार को फॉलो करके ना मतलब चीजें हो नहीं पाती है, कोई इशू नहीं है, अगर वो आगे हैं हमसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। किट्टो को ना मजा ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि भाई खाली रास्ता है। मैंने गाइस बोला था आपको कि जब किट्टो खाली रास्ता मिलता है ना तो भाई फुल बेनिफिट, फुल तो फुल, थोड़ा कम नहीं फुल बेनिफिट। अब यहाँ हम भगा सकते हैं क्योंकि 2 किलोमीटर की लंबी रूट है। चलो भाई लगा दो चौथे गियर में और भगा दो। वाओ सन का व्यू, मज़े आ गया, फोटो खींच लेते लेकिन कोई साथ में है नहीं, बंदे को तो हमने गाड़ी में बैठा दी है ठंड से बचने के लिए, उनके पास जैकेट थी नहीं, ठीक है हम तो भाई जैकेट पहने हुए हैं तो फुल सेफ से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो चिल मारो बस। देखो भाई साहब फुल सुबह सुबह इनकी भी राइड चल रही है भाई, सुबह सुबह
उनकी भी राइड चल रही, देख रहे हो फुल। और अंकल जी फुल अब करा करो हुक्के मारेंगे और ठंड का लुत्फ लेंगे। हमें तो अभी कुछ ले नहीं सकते क्योंकि हम अभी राइड पे हैं और हमें टारगेट मिला हुआ है कौन सा, हाँ जो टोल है ना वहाँ मिलने का। अब देखते हैं वो पहले पहुँचते हैं कि हम पहले पहुँचते हैं, ये बिल्कुल ही मतलब कुछ पता नहीं है कौन पहले पहुँचेगा। अब देखते हैं वो तो टाइम ही बताएगा। ये पुलिस वाले भी सही भगा रहे हैं भाई साहब फुल। कल कह रहे हैं सुबह सुबह है, वैसे तो ट्रैफिक में रहते हैं, अभी मौका मिला है भगा लो। ओ भाई साहब पानी तो गंदा ही है, नाला है तो भाई गंदा ही रहेगा, साफ सुथरी रहेगा। हमारी यमुना नदी गंदी है तो नदी गंदी है तो नाला का तो छोड़ ही दो कि कुछ हम आशा कर सकते हैं। पुलिस वाले से पंगा नहीं भाई, पीछे रहो नहीं तो सारे चलान काट देंगे अलग से। पैसे ऐसी जेब में नहीं है अभी कुछ, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत कुछ हुआ नहीं है और पहली चलान कटवा लूँ है नहीं। वैसे तो हम आज एंजॉय करने जा रहे हैं तो कुछ फालतू नहीं सोचेंगे और ना पंगे लेने की सोचेंगे। अलग ही वैसे मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ इस वाले रूट से, मैं कभी गया नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है। मैं तो भाई गूगल बाबा पे जा रहा हूँ और मुझे सही में नहीं पता रहा हूँ सही जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ, बट ठीक है। ये हमारे टीपू राइडर जी ने ये मैप लगा के दिया है तो सही ही होगा, पॉसिबिलिटी यही है। पर चलिए हम हमारी मॉर्निंग कहीं और ही हो रही हो हरियाणा में, कुछ पता नहीं है। भैया काट लो अब तो चक्कर कटा पुलिस वालों से सालों, दिमाग खराब हो गया मेरा। ठंड लग रही है लेकिन इतना तो कर लेंगे बर्दाश्त यार, आज मजे लेने हैं तो। यार राइड पे जब हो ना बहन चो सब कुछ भूल जाओ और बस मजे लो राइड के। और अच्छी बात ये है कि बहन जो कोई बाइक नहीं है कुछ नहीं है, फुल खेचो और किट्टो खुश है बिल्कुल। आज क्यों खुश है भाई, क्योंकि उसे खाली मिल रहा है और उनने बोले सर तरक्की हुई है, खाली मिलेगी रास्ता तो मैं बिल्कुल सही रहूंगी। अब थोड़ी सी हॉट हो जाएगी है तो और मजे दिलाएगी। ओहो भाई धीरे कर लो यहाँ जो कोई रास्ता ऑप्शन भी नहीं है, इधर साइड करे तो बस सीधा हम नहा ही लेंगे और कुछ नहीं होएगा, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं। देखो रोड के देखो बिल्कुल, मैं इसको धीरे कर रहा हूँ, ये देखो फुल जैसे शिमला वाली फीलिंग होती है ना वो, ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ। अब मुझे नहीं पता कौन सी जगह है ये, बस ये है कि मुझे पता है द्वारका के बाद ये पड़ा है और चावला पुल के पास है ये, और यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं, ये चावला पुल करके है कोई, ये द्वारका के बाद ही पड़ता है भाई। 2-3 किलोमीटर की राइड थी ये और मज़ा आ गया इस नाले पे। क्यों? क्योंकि ये नाला वैसा नहीं है कि मतलब रास्ता भी सही है, और भाई रास्ता सही है तो उस बात तो फिर तो बाकी बाइक आपके ऊपर है कैसे मज़े ले रहे हो और कैसे चला रहे हो, फुल मज़े लो। 280 मीटर बाद हमें राइट होना है। ओके अब देखते हैं वो विजवासन कापा से रख निकालेगा अब हमें। सही है भाई सही पहुंचा दिया भैंस की डाट, क्योंकि मॉर्निंग टाइम वैसे तो रश नहीं होता लेकिन मेन रेड लाइट से बचाया ना मेरे को उस नाले ने। अब रेड लाइट से बचाया तो भाई कहीं ना कहीं तो स्टॉपिंग हो रही है ना मेरी, अब उस स्टॉपिंग से बचा दिया तो और क्या चाहिए मेरे को, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ से कोई राइट है, ओके ठीक है भाई ले राइट ले बेटे, सही निकाल दिया उस नाले ने। तो हमारे साथ में गाइस आज 4 बंदे हैं,
बाइक एक ही है हमारी, किट्टो है बस, क्योंकि किट्टो है तो किट्टो से ही फील लेनी है सबको सही सी। और हमारा थोड़ा सा सेकंड ब्लॉक है ब्लॉग यार, फ्रेंड जो ठंड में ना वर्डिंग भी सही नहीं निकलती, तो गाइस थोड़ा वो समझ जाना मेरी फीलिंग, ठीक है। बस हम ट्राई कर रहे हैं, बाकी जब बेस्ट हो जाएंगे तो फिर बेस्ट ही देंगे आपको ब्लॉग बना के, दिक्कत काई को है। बिल्डिंग दिखेगी यार, हरियाली नहीं दिखेगी फिर, हरियाली के मजे जो है ना बिल्डिंग में नहीं है भाई, सही बताऊं तो जो फील हरियाली की है वो हरियाली की है, बिल्डिंग में नहीं है। समझने का हाल तो नहीं बोलने का भैया, कार वाले भैया थोड़ा धीरे, डस्ट इतना उड़ाओगे तो हमारा क्या होगा, हमारी किट तो गंदी हो जाएगी। कार वाले का सही है, मैं जो शीशा बंद कर लेंगे उसमें तो उड़ाई दो बस। यहाँ से कर्व है ओके, बट मैं जाना उधर है ना, ओ भाई साहब ले आया मुझे हाईवे पे लग रहा है। अब हमें 2.5 किलोमीटर चलना है और 48 मिनट की राइड हमारी रह गई है लेपर ट्रेल पहुंचने में, तो गाइस इसको हम मजे करते हैं इस राइड को, और वो लोग तो मिले नहीं हमें, अब वो वहीं मिलेंगे तो जस्ट हम वेट करते हैं उनका। देखना ये है कि वो पहले पहुंचते हैं कि हम पहले पहुंचते हैं। अब हमने नाला वाला रूट पकड़ा था तो मे बी अगर हम पहले, हमें पहुंचना चाहिए, बाकी कुछ पता नहीं है भाई, किसी का कुछ कि कुछ भी हो जाता है, ये इंडिया है भाई, इंडिया में कोई किसी से कम नहीं है, सब बेस्ट है भाई, इंडिया वाले हैं ऐसे हल्के में मत लेना, हम फाड़ देते हैं मिनट से पहले। भाई क्या नाम है, सालसार तरवार रोहतक, सही है चलन दो। ये भैया आ गए, रोक दीजिए, अपना ही सारा बस स्टैंड कुछ नहीं है, बट रोक दो तो रोक दो, नहीं रोकोगे तो हम अभी सीन कर देंगे। 1.5 किलोमीटर लेफ्ट रह गया है, बीच में फोन कर लेंगे पचले। वैसे तो यार बॉर्डर तो क्रॉस करवाई गई, कितना भी अंदर से ले लो तो पचले, हमें बॉर्डर वरना क्रॉस कराया हमें वहाँ पर पहुँचा दे फरीदाबाद में, तो भाई गलती हो जाएगा, फिर हम कर जाएंगे तगड़ा। लेकिन नहीं, ये मुझे जाने बजाने रास्ते आ गए, यहाँ से ये मिलेंगे आप, ये कापासरे वाले में ही मिलाएगा मे बी, क्योंकि नियर बाई कापासरे नहीं, हमें तो वो ये दिल्ली मेट्रो भाई, जहाँ मन करता है वहीं पे बैरिगेट लगा के और माँ बहन हमारी कर देते हैं, क्यों ऐसे प्लान कुछ करो, रास्ता डाइवर्ट कर देंगे ये। अब देखो भाई डाइवर्ट हो गया मैं, फुल मजे लो बस, बाकी तो मजा ही आने वाला है। बस जोश में होश नहीं खोना, गाइस हम पहले पहुंच गए हैं, ये खुशी है मेरे को, ठीक है। तो बस ठीक है, बस यही चाहिए था, किट्टो ने हमारी कमाल दिखा दी आज। कितना है, 8 मिनट की दूरी पे है, 2.1 किलोमीटर रह गया है, हमने थोड़ा सा मजे ले लिए रुक के। देख रहे फुल लोंडे लोग फटे,
फुल कर्व, फुल कर्व, कर्व है, कर्व है भाई। मस्त मस्त मौसम, मज़ा आ गया भाई। अब कैफ़े के अंदर जाएंगे और टीम का वेट कर लेते हैं जो हमारे साथ आए हुए थे। तो गाइस ये फुल व्यू है, कौन सा राठी कैफ़े, फुल व्यू। हम पहले पहुंच गए हैं और वो लोग आ रहे हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, फुल रेडी है। और ये देखो ये फुल मस्त, हेलो कहाँ रोकना, कहाँ है देखो हमारी टीम आ चुकी है और वहीं चलना है क्या? चलो फिर मैं पीछे हूँ।
तेजी में ले नहीं ला सकते हैं भाई। ये हमारे टीपू भैया है जो कि R15 का राइडर है, लेकिन आज आए नहीं है। गाड़ी में सन्नी भाई की गाड़ी, सन्नी भाई की गाड़ी है, ठीक है। आज फुल सरताज कह रहा था कि फुल भगाइए इनने और डरा दिया उनको। वो कह रहा है कि मैं कार में नहीं जाऊंगा, मैं भैया की बाइक पे जाऊंगा। देख रहे हो फुल जोश। अगली बार बाइक का राइड का प्लान है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई कार में मजा नहीं आया, अगली बार से फिर दोबारा आएंगे बाइक से और मजा आ जाएगा। फिर सोचो एक साथ तीन के मजा ही आ जाएगा। वैसे तो कोई बात नहीं, वैसे व्यू का मजे लो आप लोग। ये देखो फुल फुल हार्ली यो जन चल रहे उनको फुल। सब कूल मूड में है, हॉट हो गए हैं भाई। BMW फिर हार्ली निंजा कहाँ है? अरे वो हाँ गाइस देखो फुल व्यू फील कर दी। देख रहे हो फुल व्यू मस्त। ये हमारे सिताज जी है, सर्कल दिखाओ थोड़ा सा। बुलेट ही होता नहीं बोलने का।
आ जाओ।